एवरीवन, माय नेम इज शिवांश मसीन एंड वेलकम बैक टू द चैनल द इन्वेस्टर लॉजिक। सो गाइस, कल की मार्केट जैसे हम लोगों ने डिसाइड करी थी एग्जैक्टली वैसा गई थी एंड निफ्टी का तो टारगेट्स हिट हुए थे, बट बैंक निफ्टी और ज्यादा नीचे नहीं जा पाई थी जितना हमने एक्सपेक्ट करा था और एक रिकवरी हमें देखने को मिली है। सो आज कुछ स्टॉक्स के ऊपर फोकस करते हैं। मैं अपनी वॉच लिस्ट चेक कर रहा था तो बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे थे जो रिकवर करे थे एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड साइन। सो स्टॉक स्पेसिफिक भी कुछ बात कर लेते हैं एंड निफ्टी बैंक निफ्टी किस तरीके से लग रहा है, कल एक्सपायरी है, कैसे फॉलो अप करना है, सारी बातें करते हैं इस वीडियो के अंदर। और कल सुबह हम लोग लाइव भी आने वाले हैं तो प्लीज गेट रेडी एज वेल। सो चलते हैं अपने ट्रेडिंग टर्मिनल की तरफ। सो गाइस, हम लोग ट्रेडिंग टर्मिनल पे आ चुके हैं। सबसे पहला स्टॉक है अंबर। अंबर इंटरप्राइजेस पे अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा ब्रेकआउट देने की बहुत बढ़िया तैयारी कर रहा है एंड एक न्यू लाइफ टाइम हाई भी क्रिएट करने की तैयारी कर रहा है। आप देखेंगे एक अच्छी मूवमेंट आई थी, उसके बाद एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट करा था एंड फाइनली एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया था विद अ गुड रीटेस्ट। अभी कंटिन्यूस बेसिस पे एक हायर हाइज एंड हायर लोस फॉर्मेशन करके ऊपर की तरफ जा रहा है और अपने एक लाइफ टाइम हाई का ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है। आई थिंक इसके टारगेट्स बहुत अच्छे हो सकते हैं और अगर हम लोग सिर्फ इस पैटर्न के बेसिस पे अपने टारगेट्स फाइंड करें सो जो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं दैट भी शुड बी अराउंड 4400 रुपीज के। अभी ऑलमोस्ट यहाँ से 800 पॉइंट्स की भी मूवमेंट आने वाले टाइम पे दे सकता है। अब एक बार वीकली टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं और वीकली टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पर क्लियरली चेक कर सकते हो कि कितना बढ़िया ब्रेकआउट ये देने की तैयारी कर रहा है। ब्रेकआउट ऑलमोस्ट आ चुका है। अगर कल के ट्रेडिंग सेशन और परसों दो दिन के ट्रेडिंग सेशन पे अगर ये 3660 के ऊपर जाके क्लोज करता है तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी मोमेंटम की ये तैयारी कर रहा है एंड एक अच्छी रैली आ सकती है। इसके अलावा ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम इसने एक कप एंड हैंडल पैटर्न क्रिएट करा है जिसका ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग कल के ट्रेडिंग सेशन पे ही आ सकता है। फोकस ऑन दिस स्टॉक एज वेल। और अब बात करते हैं अपने दूसरे स्टॉक की। सो गाइस, हमारा दूसरा स्टॉक है GNFC। GNFC पे भी आप देख सकते हैं कि अपने न्यू लाइफ टाइम हाई के ब्रेकआउट लेवल पे ये खड़ा हुआ है एंड यहाँ पर भी इसने एक वीकली टाइम फ्रेम के अंदर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट करा है जो कि ऑलमोस्ट 2018 से चलता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं 2018 पे ही इसके ऊपर एक ब्रेकआउट इसने दिया था बट उसके ऊपर वीकली क्लोजिंग कभी भी देखने को नहीं मिली थी एंड उसके बाद से कंटिन्यूस फॉल हमें देखने को मिली और ऑलमोस्ट 90% तक फॉल कर गया था बट उसके बाद रिकवरी भी बहुत अच्छी आई है विद अ वेरी गुड वी शेप रिकवरी। एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न इसने क्रिएट करा है। सो व्हाट वी आर थिंकिंग कि कल थर्सडे और परसों फ्राइडे है, अगर दोनों दिन के अंदर अगर ये 495 के ऊपर क्लोज कर देता है और एक वीकली कैंडल ऊपर क्लोज होती है तो एक बहुत बड़ी रैली हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मिनिमम टारगेट जो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट शुड बी अराउंड 580-600 रुपीज का ऑन GNFC। अभी ये स्टॉक हम लोगों ने ऑलरेडी बाय करके रखा हुआ है एंड हमारा स्टॉप लॉस था इस नेकलाइन के थोड़ा सा नीचे जो कि अभी तक हिट हुआ नहीं है तो यस वी आर स्टिल होल्डिंग दिस स्टॉक। सो अगर ये इसके ऊपर ब्रेकआउट देने में कामयाब होता है तो डेफिनेटली एक बड़ी मोमेंटम भी इसके अंदर हम लोग एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। बात करते हैं दूसरे स्टॉक की। सो गाइस, हमारा लास्ट स्टॉक है पावर इंडिया यानी कि हिताची एनर्जी। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं ये एग्जैक्टली स्टॉक भी अपना लाइफ टाइम हाई ब्रेक कर रहा है तो तीनों स्टॉक्स हम लोग ने वही सिलेक्ट करे हैं जो ऑलमोस्ट ऊपर है और उस पर कैपेबिलिटीज है कि ये और ज्यादा ऊपर जा सकता है रादर देन कि अगर हम लोग देखें कि मार्केट नीचे गिर रही है तो आई थिंक हमें इन्हीं स्टॉक्स पर अपना फोकस रखना चाहिए। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आप यहां देख सकते हैं इस कैंडल के ऊपर एग्जैक्टली जिस हाथ से एक फॉल हमने 2 दिसंबर को देखने को मिला था वहां पर एक डबल बॉटम क्रिएट करा, ऊपर की तरफ गया और अपने प्रीवियस हाईज के ऊपर जाके क्लोज करा। एक कैंडल क्लोज की अगर मैं बात करूं तो उसके ऊपर जाके क्लोज करिए आज की कैंडल ने। सो आई थिंक एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है और एक अच्छी रैली की तरफ ऊपर जा सकता है और अगर आप इसका मंथली टाइम फ्रेम देखेंगे तो वो भी और भी अच्छा स्टॉक आपको वो लगेगा। आप क्लियरली देख सकते हैं ऑलमोस्ट अपने 700 रुपीज के लेवल से जब से ओपन हुआ था मार्च 2020 पे और ना कंटिन्यूस बेसिस एक ऊपर की रैली ही हम लोग देखने को मिल रहे हैं। अगर आप इस पे थोड़ा फोकस करेंगे, लेट मी रिमूव ऑल द ड्रॉइंग्स फॉर यू, आप देखेगा थोड़े टाइम कंसोलिडेशन इनडिसाइसिव कैंडल्स आती हैं बट जैसे ही उसके ऊपर क्लोजिंग देती है एक बड़ी रैली हम लोग एग्ज्यूम करते हैं। सिमिलरली इस इनडिसाइसिव कैंडल के ऊपर जाके क्लोज करा, एक बड़ी मोमेंटम हम दोबारा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो आई थिंक इस स्टॉक पे भी हम लोग अपना फोकस रख के चल सकते हैं। अब बात करते हैं अपने निफ्टी और बैंक निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट के डाटा की एंड इस वीडियो को एंड करते हैं उसी के साथ। सो निफ्टी का डेली चार्ट ओपन कर दिया एंड कल हम लोगों ने ये वाला डिस्कशन करा था कि एक सेलिंग आ सकती है और अगर अपने कल के हाई को वो अपने कल के लो को अगर वो ब्रेक करती है तो सीधा हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 17,925 रुपीज का। 920 का एग्जैक्टली वहां तक गया था और उसके बाद हमें एक छोटी सी रिकवरी देखने को मिली थी बट लेवल उसी जगह क्लोज करा है। सो आई थिंक हमारा जो टारगेट था वो डेफिनेटली अचीव हो चुका है। अब आई डोंट थिंक कि ज्यादा और बड़ी गिरावट आनी चाहिए या फिर अगर कल
थर्सडे के एक्सपायरी में कुछ मोमेंटम अभी देखने को मिल सकता है कि एक फॉल आ जाए, बट आफ्टर दैट एक रिकवरी जरूर आएगी जो कि 18,200 तक इजिली जा सकती है। सो आई थिंक हम कल की फॉल अगर आती है या फिर कल के लो को ब्रेक होती है तो हम कुछ लाइव मार्केट के अंदर देखेंगे कोई ट्रेड अगर मिलता है इसके अंदर, अदरवाइज शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज कल शायद हम थोड़ा रुक के लेंगे, लेंगे अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है बट थोड़ा रुक के लेंगे बिकॉज बहुत अच्छे सपोर्ट पे अभी ये इंडेक्स खड़ा हुआ है। अब एक बार 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। सो ऑन अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम अगर आप चेक करेंगे तो एक बहुत अच्छी फॉल आई थी एग्जैक्टली इस लेवल से। हमारे बीच में दो डिस्कशंस हुई थी कि या तो फिर इस लेवल को छू के ये नीचे जाए या फिर अपने इस लो को ब्रेक करेगी तो हम लोग अपना एक शॉर्ट ट्रेड लेंगे। एग्जैक्टली इस लो पे ब्रेक हुआ, अपने टारगेट्स अचीव हुए एंड इस जगह जाके इसने एक अच्छा पॉज लिया है। सो आई पर्सनली थिंक कि अब यहाँ पर एक छोटा सा हम पॉज देख सकते हैं। अगर ये अपने लो को ब्रेक करता है कल के लो को तो आई पर्सनली थिंक कि 18,000-17,830-840 तक भी जा सकता है। ये जो आप गैप देख रहे हो इस गैप को ये फिल करने जरूर आ सकता है। सो इसको भी हम लोग चेक करके चल सकते हैं बट आई थिंक अभी छोटी सी एक रिकवरी आनी बाकी है तो उस पर अपना फोकस पूरा रखेंगे। बैंक निफ्टी को अगर हम लोग चेक करें, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट 38,000 के लेवल को ब्रेक करा था, उसके बाद 37,800 तक भी गया था, हमारा 37,300 रुपीस का टारगेट था बट उसके बाद एक रिकवरी आई एंड रिकवरी पे 38,000 के ऊपर क्लोज करा। तो यानी कि ज़्यादातर जो पुट राइटर्स होंगे ना वो 38,000 और 37,900 पे बैठे होंगे डेफिनेटली और 800 पे। सो आई थिंक अगर ये लेवल ब्रेक होना स्टार्ट होता है या फिर कल गैप डाउन ओपनिंग होना स्टार्ट होता है तो डेफिनेटली एक बड़ी फॉल भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली कल एक्सपायरी है तो जितने भी पुट राइटर्स बैठे होंगे वो लोग एग्जिट करने की कोशिश करेंगे एंड शॉर्ट कवरिंग के चक्कर में मार्केट नीचे जा सकती है, ठीक है, लॉन्ग कवर करने के चक्कर में। तो आई थिंक इस चक्कर में हम लोगों को अपनी पोजीशंस को सेफली खेलना चाहिए। अब बात आती है क्या सर हम बाय कर सकते हैं, तो यस बाय भी कर सकते हैं अगर ये 38,200 के ऊपर सस्टेन करती है। आज इसने ट्राई करा था 38,200 के ऊपर जाने में बट एक विक कैंडल की क्लोजिंग हुई, एक 15 मिनट की कैंडल या बॉडी की क्लोजिंग देखने को नहीं मिली है। तो जब तक क्लोजिंग ऊपर नहीं होती है हमें बाय यहाँ पर नहीं करना, ठीक है। तो लाइव मार्केट पर जब हम लोग कल आएंगे तो डेफिनेटली उस तरीके से अपने डिसीजंस को मैनेज करके जरूर चलेंगे। अब बात करते हैं एक बार ओपन इंटरेस्ट के डाटा की और देखते हैं कि क्या चल रहा है उस डाटा के अंदर। सो हम लोग निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट डाटा पे आ चुके हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको पुट राइटर्स कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे और सब पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशन आज भी एग्जिट करी है। आई थिंक थोड़ा एक फियर मार्केट के अंदर चल रहा है और कल एक्सपायरी है तो पुट राइटर्स थोड़ा सेफ प्ले कर रहे हैं। कॉल राइटर्स सबसे ज्यादा हैवी है ऑन 18,000 एंड 18,100 पे और अभी जो क्लोजिंग हुई है वो 17,340 पे हुई है। सो यानी कि कोई भी अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो वहां पर एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जाती है तो पुट राइटर्स एक्टिव होना स्टार्ट होंगे, पोजीशंस बनाना स्टार्ट करेंगे बट तब भी कॉल राइटर्स ऑलरेडी हैं और नए कॉल राइटर्स जब आएंगे तो वो ऊपर एक हमें रेजिस्टेंस फेस होने को मिल सकता है। तो 18,030 के आसपास अगर कल मिलता है तो एक शॉर्ट इंट्राडे में दोबारा मिल सकता है, इस चीज को हम लोग फोकस करके चल सकते हैं। बात करें सपोर्ट की तो 17,900 भी एक बढ़िया सपोर्ट नहीं दिख रहा बिकॉज वहां पर भी पुट राइटर्स कम है और कॉल राइटर्स ज्यादा एक्टिव है। सो आई थिंक जो नेक्स्ट सपोर्ट मिल रहा है वो 17,750 पे देखने को मिल रहा है। सो मेरे हिसाब से यहाँ पर एक सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी कल भी लेकर चल सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी रिकवर कर रहा था बट अगर आप यहाँ चेक करेंगे तो हैवी कॉल राइटर्स एक्टिव है 38,200 पे और अभी जो क्लोजिंग है वो भी 38,000 पे है। सो हम मान के चल सकते हैं कि पुट राइटर्स हर 100 पॉइंट पे हैं बट ज़्यादा नहीं है। तो आई थिंक अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलती है तो ये सारे पुट राइटर्स ट्रैप होंगे और डेफिनेटली आगे की तरफ कॉल राइटर्स पोजीशन बनाना ऐड करेंगे। सिमिलरली दो दिन लगातार मार्केट फॉल कर चुकी है, अगर कल तीसरे दिन भी मार्केट फॉल करती है तो हम एक पॉसिबल छोटा सा ट्रेंड रिवर्सल देख सकते हैं कि वो दोबारा ऊपर जा सकती है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिवर्सल देख सकते हैं जो ये तीन दिन का फॉल आ रहा है। बट हमें कल कॉशियस रहना है, सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी लेकर चलेंगे बट अगर गैप अप भी खुलता है तो वहां पर भी सिनेरियो बदल सकता है। फॉर दैट हम लोग डेफिनेटली लाइव तो होंगे ही मार्केट ओपन होने से पहले, तो उस तरफ हम अपना एक डिसीजन लेकर चल सकते हैं, ठीक है। तो ये था ओपन इंटरेस्ट का डाटा, आई थिंक आपको पसंद आ गया होगा, समझ में आ गया होगा किस तरीके से करना है। सो लेट्स एंड दिस सेशन राइट अवे। बाय बाय गाइस, हैव अ वेरी गुड डे।